हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सबके लिए लाई हूँ निटिंग का एक बहुत ही न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइन। ये देखिए, ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये बिल्कुल ईजी और सिंपल है और ये बनने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे आप बच्चों के स्वेटर या लेडीज कार्डिगन या जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये हर एक स्वेटर में अच्छा लगता है। और इसके फंदों के कास्टिंग बताऊं तो मैं आपको 10 के मल्टीपल्स +2 इस तरह से फंदे कास्ट करेंगे तो आपके किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में इजिली ये फिट हो जाएगा। और ये 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे आराम से बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें मैंने 10 के मल्टीपल्स +2 इस तरह से फंदे कास्ट किए हैं। इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं, 10 के मल्टीपल्स में 20 और एक एक एच के लिए 2, तो ये हमारे हो गए 22। तो इसमें मैंने 22 फंदे कास्ट किए हैं और अब हमारी ये फर्स्ट रो है। ये मैं आपको बता दूं, 10 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। तो हमारी ये फर्स्ट रो है। एज का फंदा इस तरह से हम बिना बुना उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो ये एज अ फर्स्ट रो ये हमारी है, ये भी हम उल्टी बुनेंगे और रॉन्ग साइड से जो हमारी सेकंड रो आएगी वो भी हम उल्टी बुनेंगे। तो इस तरह से हम ये 2 सिलाइयां मैं अभी उतार लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, फर्स्ट रो भी मैंने उल्टी बुन ली और रॉन्ग साइड से सेकंड रो भी मैंने उल्टी बुन ली। अब हमारी ये थर्ड रो है राइट साइड से। तो इस तरह से हम पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी एक जाली बन जाएगी। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। फिर अब हम देखिए, यहाँ पे 3 का 1 बनाया तो इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा हमने बिना बुना उतार लिया और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। और जो बिना बुना फंदा उतारा था ये हम इसके ऊपर से इस तरह से पलट देंगे तो ये हमारे 3 फंदों का 1 फंदा बन जाएगा। इस तरह से फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे ये डिजाइन बन गया। अब फिर से हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमारी जाली बन गई। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे, 1 फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे बिना बुने और फिर 2 फंदों का 1 बना लेंगे। और जो बिना बुना फंदा था हमने वैसे ही उतारा था, इसको हम इसके ऊपर से पलट देंगे तो हमारा ये 3 फंदों का 1 बन जाएगा। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके और 1 फंदा सीधा बुनेंगे तो ये हमारी जाली बन जाएगी और ये एज का फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई और फोर्थ रो हमें उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये राइट साइड से 5th रो है। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे और अब हमारा ये देखिए, 1 फंदा हमने बिना बुना उतारा था, अब हमारे ये 2 हो गए, 1 बिना बुना और 1 ये सीधा। तो इस तरह से हमने ये जाली डाली थी तो अब हमारे ये फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे तो हमारी एक जाली बन जाएगी। फिर हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरह से हो गया। अब हम ये 3 फंदों का 1 करना है तो इसी तरह से पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। और ये बिना बुना फंदा था ये हमें इसके ऊपर से इस तरह से पलट देना है तो ये हमारा 3 का 1 हो जाएगा और फिर हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं और धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हमें जाली बनानी है और ये 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ करके हमें 1 फंदा सीधा बुनना है जिससे कि हमारी जाली बन जाएगी। जाली बनाने के बाद फिर हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद फिर हम ये 3 का 1 करेंगे, पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये 1 फंदा हो गया। फिर ये बिना बुना फंदा जो था अब हम इसके ऊपर से इस तरह पलट देंगे तो ये हमारा 3 का 1 हो गया, 1 2। 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 ये जाली बनाएंगे और ये 2 फंदे बच गए, इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 5th रो कंप्लीट हो गई। रो हमें सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारी ये राइट साइड से 7th रो है। अब हम पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे, फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे तो ये हमारी जाली बन जाएगी। फिर अब हम ये 3 का 1 करेंगे तो इस तरह बिना बुना फंदा उतार लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। और जो ये बिना बुना फंदा था ये हम इसके ऊपर से पलट देंगे तो ये हमारा 3 फंदों का 1 बन जाएगा। फिर हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे
और धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जाली बन जाएगी। अब बीच में हमारे ये फंदे इंक्रीज हो गए हैं, तो अब हम ये चार फंदे सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी जाली बन जाएगी। फिर हम इस तरह से ये तीन फंदों का एक करेंगे, तो बिना बुना एक फंदा उतारेंगे और इन दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो फिर एक साथ बुनने के बाद जब ये बिना बुना फंदा था, ये अब हम इसके ऊपर से पलट देंगे, तो ये हमारा तीन फंदों का एक फंदा बन जाएगा। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे एक फंदा सीधा बुन लेंगे, तो हमारी ये जाली बन जाएगी। और जो ये लास्ट के ये दो फंदे, ये सीधे और एज स्टिच भी सीधा ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सेवन थ्रो कम्प्लीट हो गई। एट थ्रो हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, इस तरह से ये रो कम्प्लीट कर लें। फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये राइट साइड से हमारी नाइन्थ रो है। ये इस तरह से हम एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे और तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदों का एक कर लेंगे, तो ये साथ के साथ हमारी जाली भी बन जाएगी और ये तीन फंदों का एक भी बन जाएगा। तो इस तरह से बिना बुना हमने ये फंदा उतार लिया और इन दो फंदों का हम एक फंदा कर लेंगे सीधा बुनते हुए। ये देखिए, दो फंदों का हम एक बना लेंगे सीधा बुनते हुए, और जो बिना बुना फंदा था ये हम इसके ऊपर से इस तरह से पलट देंगे, तो ये हमारा तीन फंदों का एक बन गया। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो हमारी एक ये जाली बन गई। ये देखिए इस तरह से। फिर अब ये हमारे बीच के फंदे, पिछली बार हमारे ये चार थे, अब हमारे ये छह हो गए, तो इनको हम सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से बिना बुना एक फंदा उतार लिया और इन फंदों को दोनों को हम एक साथ सीधा बुनते हुए एक कर लेंगे। और जो ये हमारा बिना बुना फंदा था, ये हम इसके ऊपर से पलट देंगे, तो ये हमारा तीन फंदों का एक बन जाएगा। अब फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी जाली बन गई। अब जो हमारे ये तीन फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे और जो एज स्टिच है ये भी हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये नाइन्थ रो कम्प्लीट हो गई, और टेंथ रो भी हमें उल्टे बुनते हुए अपनी सारी रो कम्प्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टेंथ रो भी कम्प्लीट कर ली है। ये देखिए, ये डिजाइन बनने के बाद हमारा इस तरह से लगेगा। और ये फिर वापस आप इसी तरह से एक से लेके दस तक ये डिजाइन रिपीट करेंगे आप इसी ये पैटर्न को, तो फिर इस तरह से आपका ये डिजाइन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये डिजाइन और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरा डिजाइन पसंद आया, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू निटिंग पैटर्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।